हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर से। गांधी सागर के डूब क्षेत्र में राजस्व व पुलिस अधिकारी मुस्तैदी से काम करें। कलेक्टर ने बाढ़ की समीक्षा कर दिए निर्देश। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बाढ़ की समीक्षा कर राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांधी सागर डूब क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ काम करें। जो भी स्थिति बनती है उसकी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें। निचली बस्तियों में दल लगातार भ्रमण करता रहे एवं तुरंत जायजा लेते रहे। कलेक्टर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का लेंगे जायजा। जी हाँ, कलेक्टर मनोज पुष्प मंदसौर शहर, शिवना नदी, मल्हारगढ़, रेतम, बेराज व अन्य क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तथा वहां पर बाढ़ की क्या स्थिति है ये जानेंगे तथा इसके संबंध में मौके पर पहुंचकर जायजा लेंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी मौके पर आवश्यकता अनुसार प्रदान किए जाएंगे। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। बारिश हो रही, क्या स्थिति है? लगभग 4 इंच बारिश मंदसौर जिले में हुई है और जो गांधी सागर का कैचमेंट का इलाका है या शिवना चंबल का कैचमेंट इलाका है, उस कैचमेंट के इलाके में जैसा आपको पता है कि इंदौर और उज्जैन के लगभग सभी जिलों में बहुत तेज़ बारिश हुई है और उसमें से बहुत सारा रन ऑफ वाटर मंदसौर जिले में आता है तो उसका असर मंदसौर जिले के लगभग सभी नदियों पर पड़ रहा है। हमारे सभी इरीगेशन के तालाब भरने की स्थिति में हैं। सारे जो नदियां हैं वो भर गई हैं और उसके जो रन ऑफ वाटर है और उसकी जो निचली बस्तियां हैं उस पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हमारी SDRF की टीम और होमगार्ड की टीम और पुलिस और रेवेन्यू की टीम राहत और बचाव के लिए अपने अपने इलाकों में पिछले साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। हम COVID-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करने के लिए लोगों को ताकीद कर रखा है ताकि अगर कोई राहत का कैंप लगता है तो उसमें COVID-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक तो कम लोगों को रखें, लोगों को स्क्रीनिंग करके उसको रखें और जहां कहीं भी आवश्यकता हुई तो हम राहत शिविर में ही हेल्थ कैंप भी लगाएंगे और लोगों का वहीं मौके पर इलाज भी करेंगे। सर, मीटिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं और अभी गांधी सागर की क्या स्थिति है? गांधी सागर में अभी जो लेटेस्ट है तो लगभग 1300 फीट पानी आ गया है और जो नया प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम गेट ऑपरेशन 1304 से 1305 के बीच में शुरू करेंगे। जिस तरह का कैचमेंट में पानी हो रहा है, लगभग 3 लाख क्यूसेक मीटर पानी लगातार वहाँ आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह या दोपहर तक गेट ऑपरेशन के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। तो पानी पुलियाओं पर बह रहा है, रपट बह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग पार करने के लिए बांधते हैं तो उनकी खास तौर पर आपकी क्या कहना? हम लोगों ने रेवेन्यू और पुलिस के ऑफिसर को ये ताकीद किया है कि अगर कोई इस तरह की लापरवाही करता है और समझाने पर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। 144 ऑलरेडी ऑपरेटिव है नदियों के ऊपर या पुल पुलिया के ऊपर से पानी होने की स्थिति में बाहर निकलने के लिए, तो हम न केवल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बल्कि सब्सटेंशियल धाराओं में भी हम केस दर्ज करने से नहीं चूकेंगे, चाहे वो पब्लिक